मस्जिद नबवी का एक कोना था और एक बंदा वहां बैठ के दुआ मांग रहा था। उसके दुआ के लफ्जों पे गौर कीजिए। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूं कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबवी के कोने में बैठा था। हुजूर ने देखा तो एक सहाबी से कहा, वो जो दुआ मांग रहा है उसको जाके बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो मांग इस ढब से रहा है। तो ये दुआ अपने रब से न्याज है, दुआ खुद इबादत है। जब तुम्हारी जरूरतों का कफील वो है तो फिर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है। इन्ना रब्बकुम हयीयुन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है, जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ो। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। मैं एक सादी सी बात करता हूं, इतने लोग जितने लोग यहां बैठे हैं अगर किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कोई चीज तलब करें और वो देने की इस्तेआत रखता हो तो वो क्या खाली लुटाएगा? वो कहेगा इतने लोग आगे हो तो डेरादारी की शान के खिलाफ है कि मैं इनको खाली लुटाऊं। तो जब ये दुनियादार खाली नहीं लुटाता तो रब कैसे खाली लुटाएगा? जब बंदे उसकी दहलीज पे चल के आ जाएं तो वो बंदों की जरूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को जानता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उलमा ने कहा दुआ हर सूरत कबूल होती है, या तो ये है कि फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फौरन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है और फौरी देना मुनासिब नहीं होता तो उसको फौरी नहीं दिया जाता लेकिन दुआ बाद में कुछ अरसे के बाद उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है ना फौरी दिया जाता है ना बदेर दिया जाता है, उस दुआ को जखीरा कर लिया जाता है और हशर के दिन उसका बदला दिया जाए। और रिवायत में आता है हशर के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था तो लोग आरजू करेंगे काश के दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सारे सिले आखिरत में मिलते। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा होता है जो मांगा जाता है वो नहीं दिया जाता, उसके बदले में कुछ और चीज दे दी जाती है जो उसकी जरूरत होती है और जो उसके लिए मुनासिब होती है। वो कुछ और मांग रहा होता है लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के तहत उसे कुछ और अता कर देता है। बाहर सूरत दुआ कबूल होती है और बंदों के उठे हुए हाथ अल्लाह पसंद करता है। दुआ अल्लाह से राजो न्याज की बातें, जो बातें बंदा किसी से नहीं कर सकता वो अपने रब से डायरेक्ट करता है, अपने दिल के सारे दुखड़े अपने रब की दहलीज पर रखता है और अपनी सारी जरूरतें मालिक की चौखट पर रख देता है और उससे मांगते हुए बंदे को शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, बल्कि उससे मांगते हुए फख्र महसूस हो रहा होता है कि मैं अपने रब से मांग रहा हूं। किसी और से मांगे तो झिझक लगती है लेकिन मालिक से मांगे तो अपनाइयत का एहसास होता है कि मैं उससे मांग रहा हूं, इसलिए कि वो हमारा रब लगता है, हमारा उससे रब्त कितना गहरा है। आज ये भी बहस चलती है नहीं मांगना चाहिए, फलां वक्त में नहीं मांगना चाहिए, तो वो कहता है मुझसे मांगो, जब भी मांगो, मेरा दस्ते करम तुम्हें देने पे आमादा है। और अगर कोई नहीं मांगता तो मैं कुल मा या बो बेकुम रबी लौला दुआओकुम, ए महबूब फरमा दो अगर ये नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी परवाह नहीं करेगा। मांगना तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मांगते रहोगे तुम्हारी झोलियां भरता रहेगा और अगर तुम्हें उसे नहीं पुकारोगे तो वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तो उसके हुजूर दुआएं मांगो, अपनी आरजुएं पेश करो, अपनी तमन्नाएं उसके हुजूर पेश करो। अच्छा, दुनियादारों से मांगे तो अपने लिए मांगते हैं लेकिन अल्लाह से मांगो तो अपने लिए भी मांगो औरों के लिए भी मांगो। वो करीम है, वो देता है और खुश होके देता है, तो उससे मांगो, उससे झोली फैलाओ।